प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 7 अप्रैल शाम को मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम मोदी के इस रोड शो की शुरुआत शहर के भगत सिंह चौक से हुई और आदि शंकराचार्य चौक पर इसका समापन हुआ। पीएम मोदी खुली जीप में सवार थे और उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। पीएम मोदी अपने हाथ में कमल का निशान लेकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। रोड शो के लिए लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत की उस टिप्पणी के लिए आलोचना की है जिसमें कंगना ने सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया था। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि किसी को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इतिहास को विकृत नहीं करना चाहिए। चंद्र कुमार बोस ने कंगना को फटकार लगाते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक राजनीतिक विचारक, सैनिक, राजनेता, दूरदर्शी थे। वह एकमात्र ऐसे नेता थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारत के सभी समुदाय को एकजुट कर सकते थे। नेताजी के प्रति वास्तविक सम्मान उनकी विचारधारा का अनुसरण करना होगा। चंद्र कुमार बोस ने पिछले साल सितंबर में यह कहते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था कि उनके सिद्धांत पार्टी के साथ मेल नहीं खाते। उनका इस्तीफा इंडिया बनाम भारत विवाद के बीच आया था। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने रविवार 7 अप्रैल को कुछ तकनीकी समस्याओं का हवाला देते हुए उड़ान भरने से महज 92 सेकंड पहले अपने अग्निबाण उपकक्षीय रॉकेट के लॉन्च को रोक दिया था। इस रॉकेट को पहली उड़ान भरनी थी, हालांकि ये तीसरी बार है जब उसकी उड़ान रोकी गई। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच चलाई जा सकती है। जयपुर में 10 से 12 अप्रैल तक IRCTC की बैठक में इस ट्रेन को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। पूर्वोत्तर रेलवे ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। दरअसल विराट कोहली अब IPL में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस तरह उन्होंने सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट के नाम पर अब IPL में कुल 110 कैच हो गए हैं, वहीं रैना के नाम 109 कैच थे। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज के साथ।